प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद एवं पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने शनिवार को पुलिस लाइन प्रयागराज के सभागार में कांवड़ यात्रा के लिए तैयारियों के संबंध में बैठक की। प्रयागराज, कानपुर, झांसी एवं चित्रकूट मंडल के मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत समीक्षा बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने समस्त जनपदों के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं, कांवड़ियों व दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाए। घाटों एवं मार्गों पर साफ सफाई एवं प्रकाश की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित रहे। उन्होंने घाटों, मार्गों एवं शिव मंदिरों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने के साथ ही पीए सिस्टम की भी व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के लिए कहा। प्रमुख सचिव ने घाटों पर गोताखोर एवं जल पुलिस की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था बनाए रखने के साथ मोबाइल शौचालय एवं प्रकाश की भी समुचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्गों पर अंडा मांस मछली की दुकानें किसी भी स्थिति में न रहे। उन्होंने कांवड़ मार्ग पर अस्थायी चिकित्सा कैंप की भी व्यवस्था करने के लिए कहा है। हाईवे पर बने वाले अस्पतालों के ट्रामा सेंटर में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने के निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा को सकुशल ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए वॉलंटियर्स से भी मदद लेने के लिए कहा है। आज की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो आगामी कांवड़ मेला शिवरात्रि है और अन्य जो त्यौहार हैं उसके संबंध में उसकी तैयारियों की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी। मैं डीजीपी साहब और अन्य अधिकारीगण सब लोग यहाँ आज बैठक में मौजूद थे। इसमें कानपुर और चित्रकूट, बांदा और प्रयागराज के सभी प्रशासन पुलिस के अधिकारी कुछ यहाँ फिजिकली मौजूद थे, बहुत सारे लोग वर्चुअली जुड़े हुए थे। कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों को इन सभी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए गए थे। हम लोग उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस के कंप्लायंस को देखने के लिए आज फील्ड में आए हैं और जो आवश्यक व्यवस्था होती है खास विशेष तौर से कांवड़ के लिए कि ट्रैफिक की व्यवस्था हो, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, चिकित्सा स्वास्थ्य की उत्कृष्ट व्यवस्था उपलब्ध हो सब लोगों के लिए, उन सभी बिंदुओं पर समीक्षा की गई है। सुरक्षा के लिहाज से क्या क्या चीज़ें हैं? वो सारी व्यवस्था, हर वो चीज़ जो आवश्यक है उसकी व्यवस्था प्रशासन ने की है यहाँ पे। वो आपको समय समय पर निरंतर, क्योंकि ये लंबा त्यौहार है 2 महीने का, हाँ जी सब ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। जगह जगह सीसीटीवी कैमरा जो शिवालय वगैरह पर लगे हुए हैं, हर व्यवस्था यहाँ पे प्रत्येक जनपद के प्रशासन ने कर रखा है। उसके बारे में आपको अलग से भी ब्रीफ करेंगे। वो सब दुकानें भी बंद रहेंगी, वो सब व्यवस्था जो जैसे पूर्व की भांति हर वो स्टेप जो एक इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए आवश्यक होगा उसको अमल किया जाएगा। सर, पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने कहा कि कांवड़ यात्रा के समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। ट्रैफिक एडवाइजरी समय से जारी करने तथा घाटों एवं कांवड़ मार्गों पर महिला पुलिस की पर्याप्त मात्रा में तैनाती, सादे ड्रेस में भी पुलिस की तैनाती सुनिश्चित किए जाने के लिए कहा। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा को क्रियाशील बनाए रखने एवं ट्रैफिक मैनेजमेंट की मजबूत व्यवस्था बनाए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने नदियों के घाटों पर गहरे जल के पास बैरिकेटिंग एवं नोटिस बोर्ड लगाने के लिए कहा। कांव मार्गों एवं घाटों पर निरंतर पेट्रोलिंग की व्यवस्था बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। सुरक्षा के लिए पर्याप्त फोर्स दिया गया है और सारे रूट पर पुलिस व्यवस्था रहेगी। रूट डाइवर्जन का प्लान जो है पहले पब्लिसाइज कर दिया जाएगा ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। घाटों पर जो व्यवस्था की जानी है वो सुरक्षा की वो की जाएगी और रास्ते में जन सहयोग से लोगों का सहयोग लेके पूरे वॉच रखा जाएगा ताकि कोई अवांछनीय तत्व ना आ जाए और अगर कोई समस्या पैदा होती है उसकी त्वरित गति से पुलिस को खबर मिल जाए। थैंक यू। अभी तो उसके बारे में तो अभी होगा तो बाद में पता चलेगा। थैंक यू। बैठक में एडीजी जोन भानु भास्कर, मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी चंद्र प्रकाश, पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा, जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री तथा अन्य मंडलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर अपर निदेशक सूचना अंशुमान राम त्रिपाठी सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।